तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर की जितनी भी टॉप टू टॉप IUPAC नेमिंग है, ठीक है ना, उन सभी को हम खत्म कर देंगे। और कल की क्लास में मुझे आप बताओगे कि कौन कौन सी ऐसी IUPAC है जो आपको समझ में नहीं आई, ठीक है ना। जितनी भी IUPAC है इसकी, आप टेक्स्ट, इन टेक्स्ट, एक्सरसाइज, हर जगह से IUPAC को कलेक्ट करके लाना है, ठीक है ना, जो आप नहीं कर पाए हो, ठीक है। तो इस चैप्टर के IUPAC के लिए हम सिर्फ एक दिन देंगे और ये सारी IUPAC जो है वो आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ IUPAC को आगे से। कल हमारी अप्रोक्स कितनी IUPAC होगी थी, प्लीज एक बार रेज हैंड करना और बताना अप्रोक्स कितनी IUPAC हम कल कर चुके हैं। ओके आयुष बताइए कितनी IUPAC हम कल कर चुके हैं। पांच हो गई थी, चलो ठीक है। तो हम सिक्स से स्टार्ट करते हैं आज। ये IUPAC का जो पोर्शन है ये नंबर सिक्स है, ठीक है। इसकी जो नेमिंग है IUPAC की आपने हेडलाइन लिख दी होंगी, IUPAC इस तरीके से, ठीक है। ये लिखने के बाद अभी मैं आपको एक छोटी सी चीज के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। देखो दो तरीके हैं, या तो हम इस पूरे चैप्टर को इस तरह से खत्म कर दें, IUPAC इसके बच्चे पेज छोड़ते हैं, रफली बता रहा हूं मैं, मान लो इसके चार पेज छोड़ दिए। IUPAC होता है, नेमिंग रिएक्शन होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, मान लो इसके पांच पेज छोड़ दिए। इसके अलावा IUPAC नेमिंग कन्वर्जन बहुत पॉपुलर है इसमें, ठीक है। कंप्लीट द रिएक्शन बड़ी पॉपुलर है, अरेंजमेंट बहुत ज्यादा पॉपुलर है, रीजनिंग क्वेश्चन इसी में आते हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है ना। तो IUPAC नेमिंग कन्वर्जन कंप्लीट द रिएक्शन अरेंजमेंट रीजनिंग क्वेश्चन। एक सेक्शन और अगर बनाना चाहें तो हम इसमें एक सेक्शन और भी बना सकते हैं, जैसे इन बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से इन सेक्शन को बनाया, जैसे एक स्टार्टिंग में बना देते थे वो रफ, यहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, पांच पांच सबसे पहले ये बनाते थे और फिर हर किसी में, जैसे हम रफ काम कर रहे हैं और एकदम से कोई एक CTR आई, कंप्लीट द रिएक्शन आई, तो पिक करके वही रफ वाली चीज कहाँ डाल देते थे, CTR में पुट ऑन कर देते थे। इससे क्या होता था कि मेहनत करनी पड़ती थी डबल, और उससे पूरी की पूरी चीजें हमें एक लाइन में मिल जाती थी। जैसे कि आपके पास नोट्स गए ना, वहां आप देखोगे तो IUPAC के सेक्शन अलग है, नेमिंग अलग है, कन्वर्जन अलग है, CTR अलग है, अरेंजमेंट अलग है, रीजनिंग अलग है। अभी क्या है कि हम ऑनलाइन लाइव क्लासेस में ये कर ही नहीं सकते कि आप इस चीज को इस सेक्शन में लिखो। लाइव में अगर आपके सामने होता तो आपको समझा पाता कि ऐसे ऐसे लिखो। अब आपके पास नोट्स अवेलेबल है, करना क्या है आपको, हम एक नई तरीके से इस बार खत्म करेंगे ऑर्गेनिक को, उससे भी ये बढ़िया तरीका। ये वाला जो तरीका आपके सामने जो लिखा हुआ है तो आपके पास नोट्स में पहले ही अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी हम नए तरीके से इसको करने वाले हैं, ध्यान से देखना एक बार। IUPAC का क्वेश्चन नंबर सिक्स है, ठीक है ना, मैं इसको I6 का नाम दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये IUPAC सिक्स है। अब IUPAC का सिक्स क्वेश्चन जो है, थोड़ा सा लेवल और ऊपर चलते हैं हम, क्या है, CH2 डबल बॉन्ड C और यहाँ है आपका CH3, ये है आपका CH2 और ये है आपका Br, इस तरीके से, ठीक है। अब इस पूरे क्वेश्चन में अगर आप चाहो तो IUPAC स्टार्ट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है, ये वो तरीका है। यहाँ से आपको लॉन्ग चेन देखनी होती है, लॉन्ग चेन देखने के बाद आपको ये डिसाइड करना होता है कि काउंटिंग कहाँ से होंगी, लेफ्ट से होंगी या राइट से होंगी। अब यहाँ भी इंटरेस्टिंग चीज है देखने लायक कि आप किसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानोगे, डबल बॉन्ड को या फिर हैलोजन को, ठीक है ना। कई बच्चे हैलोजन को देख के ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं और इसपे इस बच्चे ने लिख भी रखा है, आपके नोट्स में मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये CBSE में पूछा गया था ये क्वेश्चन, दिखने में तो बड़ा आसान सा लग रहा है, हाँ हो गया, बट अभी भी आप में जितने भी क्लास को देख रहे हो उन स्टूडेंट में से आप कंफ्यूज जाओगे ये डिसाइड करने में कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, काउंटिंग में लेफ्ट से करूं या राइट से करूं। रेज योर हैंड, काउंटिंग लेफ्ट या राइट। यस मयंक बताइए, काउंटिंग कहां से,
काउंटिंग कहां से करनी चाहिए बताइए। जतिन बताइए काउंटिंग कहां से करनी चाहिए? लेफ्ट से सर। लेफ्ट से करनी चाहिए क्योंकि डबल बोन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ठीक है ना। तो 1 2 3 इस तरीके से हम करेंगे। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ब्रोमीन और मिथाइल दोनों ही क्या है, ब्रांच है। अल्फाबेटिकली अगर हम इसको रीड करें तो ये आता है हमारा 3-ब्रोमो-2-मिथाइल, इस तरीके से 3-ब्रोमो-2-मिथाइल। और 3 कार्बन का मतलब है प्रोप एन या इन, भाई 1 पे डबल बॉन्ड है तो प्रोप 1 इन, इस तरीके से, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम आगे चलें तो हमारा है I7, और ये जो नेमिंग है बड़ी ज्यादा पॉपुलर है, इस तरीके से आती है ये CH3 सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड, ये है आपका H, और यहाँ पे है CH CH3 और BR। आपके NCERT में लिस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे ऐसे से। अब यहाँ पर हमें क्या करनी है, लॉन्ग चेन देखनी है। काउंट करो इसको और बताओ लॉन्ग चेन कितने कार्बन की सबसे ज्यादा आ रही है, लॉन्ग चेन सबसे ज्यादा कार्बन की किसमें आ रही है, काउंट करके अच्छी तरह से सोच समझ के फैसला करना, ठीक है। सबसे ज्यादा लॉन्ग चेन कितने कार्बन की आ रही है? यस जतिन बताइए। सर 5 कार्बन की आ रही है, ओके। तो हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। और अगर मैं काउंटिंग करूं इसकी तो ये काउंटिंग इस तरीके से हो जाएगी, यहाँ पर आपकी 1 2 3 4 5, ठीक है ना। क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर बाद में सारे अपने आप ही कर लेना आप। देखो इस तरीके से हम इसके जो बॉन्ड हैं, ये इसको ऐसे कार्बन ऐसे भी दिखा सकते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। अब हर कार्बन को अगर हम देखें तो यहाँ CH3 है, इस कार्बन पर CH है, ये तीसरा कार्बन है यहाँ पे CH है तो डबल बॉन्ड ये रहा। फोर्थ कार्बन आपका 2 है तो CH2 है, यहाँ अगर हम देखें तो CH3 है, और जहाँ सॉरी CH2 नीचे CH है, और यहाँ आपका BR है। तो यही इसका जो मतलब स्ट्रक्चर को, बॉन्ड लाइन को कंप्लीट स्ट्रक्चर में बना दिया। अब यहाँ अगर हम देखें काउंटिंग में तो 1 2 3 पे डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ 1 2 2 पे डबल बॉन्ड है, तो 4 5 हमारा आंसर क्या होगा, 4-ब्रोमो, ठीक है। 5 का मतलब है पेंट, 2-ईन, ये आपका आंसर आ जाएगा, 4-ब्रोमो-पेंट-2-ईन, इस तरीके से। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये आपके एनसीईआरटी में कम से कम 6-7 डायग्राम दे रखे हैं ऐसे ऐसे, तो उसकी पूरी फुल प्रैक्टिस कर लेना। नंबर 8 पे हम आ गए हैं, और अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा CH3, इसी से ही मिलता जुलता दे रखा है। CH3 यहाँ है आपका H, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये आपका H है, और ये आपका क्या है, इस तरीके से दिखा रखा है जानबूझ के H, और ये दिखा रखा है BR, ठीक है। यहाँ भी अगर हम देखें तो कार्बन कितने हो जाएंगे हमारे, टोटल कार्बन अगर यहाँ काउंट करें तो भाई ये हो गया आपका 1 ये 2 ये 3 ये 4, अब की बात 4 ही कार्बन है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो मैंने काउंटिंग करी है वो ठीक है या गलत है, क्योंकि यहाँ अगर देखे तो 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और यहाँ से भी अगर देखे तो 2 पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है, प्लस ब्रोमीन का सपोर्ट भी है। तो करेक्ट जो काउंटिंग होगी वो ग्रीन कलर में है, इस तरीके से ये करेक्ट हो जाएगी 1 2 3 और ये आपकी 4, ये 4, ठीक है। अब जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो, ठीक है, 4 है तो ब्यूट 2-ईन, इस तरीके से 1 ब्रोमो ब्यूट 2-ईन। अब 1 को लिखते नहीं नॉर्मली, तो ब्रोमो ब्यूट 2-ईन भी बोल सकते हैं।
और भी जो माइक डिसेबल के लिए बोल रहे थे एक दो स्टूडेंट, तो मैं बता दूंगा माइक डिसेबल नहीं होगा पूरे साल, क्योंकि अगर अच्छी तरह से अगर हम स्टडी कर पाएंगे तो ऐसे कर पाएंगे। इससे इतनी डिस्टर्बेंस की कंप्लेंट आती है, बच्चे बार बार बोलते हैं कि सर इसके मैंने लीड नहीं लगा रखी इसलिए कंप्लेंट है, तो ये माइक डिसेबल नहीं होगा किसी भी हालत में। ओके, आगे चलते हैं। ये एच है, यहाँ भी एच है, और ये डबल बॉन्ड सी, यहाँ सी एच थ्री है आपका, और यहाँ की अगर मैं बात करूं तो ये एच एच और बी आर है, ठीक है। ट्राई करो इसकी आई पैक क्या होगी और रेज योर हैंड। ओके, दो तीन आंसर आ चुके हैं, चलो ट्राई करते हैं। रिद्धि बताइए आंसर क्या होगा। सर, 3-bromo-2-methyl-prop-1-ene। वेरी गुड। देखो यहाँ पर ना अगर हम फिर से देखें तो अब की बार डबल बॉन्ड है वो पहले कार्बन पे ही है, तो 1, 2, 3, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3-bromo, ठीक है, प्रॉप 1-ene। वैसे 2-methyl भी है तो 3-bromo-2-methyl, ये हो गया आपका 3-bromo-2-methyl, ठीक है ना, 3-bromo-2-methyl prop 1-ene, इस तरीके से आंसर आ जाएगा 3-bromo-2-methyl prop 1-ene, ठीक है। नंबर 10 की तरफ चलते हैं, हमारा नंबर 10 है, ये तो हो गया 3-bromo-2-methyl, जो नंबर 10 है वो भी इसी तरीके से है, तो CH3 ये है आपका H डबल बॉन्ड, यहाँ भी CH3 है, और ये है इस तरीके से उन्होंने दिखाया है HCH3 और ये BR। अगर मान लो हो भी गया हो पहले, नो प्रॉब्लम, एक बार फिर से कर देना, ये होमवर्क है, अपने आप घर पे करना आराम से। एक और होमवर्क लिख रहा हूं मैं, ये भी ट्राई करना। देखो अगर आप ट्राई करोगे, गलतियां करोगे, थोड़ा एनालिसिस करोगे अपने आप के बारे में, पूरी एनसीईआरटी के मैंने पहले ही होमवर्क दे दिया, एक भी ऐसा क्वेश्चन आईयूपैक का चैप्टर नंबर 10 का अगर आपसे नहीं हो रहा तो मेरे पास कल प्रॉब्लम जरूर लाना या व्हाट्सएप जरूर करना। ये दोनों होमवर्क है, ट्राई करना। पूरी एनसीईआरटी में चैप्टर जहां से शुरू होता है ना, वहां से लेके जहां खत्म होता है वहां तक, पूरी आईयूपैक जितनी दे रखी है ना, सबको ट्राई करना है। अगर कोई नई आयु पैक आती है, कोई मुश्किल है, मेरे पास सेंड कर दो। ओके, आगे चलते हैं। इसकी आयु पैक को और बढ़ाते हुए एक ये आयु पैक देखो, ये बेंजीन है और उसके ऊपर है आपका CH3। ये दोनों होमवर्क है, ये घर से करनी है आपको। ये नॉर्मली इसका जो आयु पैक है वो तो मैं हम करेंगे करेंगे, आपको बताना है इसका कॉमन नेम क्या है। रेज योर हैंड कॉमन नेम। वेरी गुड, यानी कुछ बच्चों ने कॉमन नेम याद भी करे हैं, बहुत अच्छी बात है। रुपेश बताइए कॉमन नेम क्या है। टॉलविन। वेरी गुड रुपेश, ये टॉलविन है। और अब हम इसका क्या आयु पैक नेम करते हैं। देखो अगर मान लो बेंजीन के ऊपर एक कार्बन है, ध्यान से समझना जो मैं चीज बता रहा हूँ यहाँ, मैं टूल्स नए नए जो टिप्स एंड ट्रिक्स सारी बता दूंगा यहाँ पे। बेंजीन के ऊपर एक ही कार्बन है, अब बेंजीन के ऊपर एक कार्बन है तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि काउंटिंग बेंजीन के रिंग की तरफ से होगी, यानी आंसर आएगा आपका क्या, 1-methyl-benzene। समझना ताकि पूरी ऑर्गेनिक में दिक्कत ही ना आए। अच्छा सपोज करो अगर ये सिचुएशन कुछ ऐसी होती, बेंजीन के ऊपर दो कार्बन होते CH2 CH3, अब भी रिंग काउंटिंग बेंजीन की तरफ होती है, यानी अब बेंजीन जीत गया। अभी भी बेंजीन कह रहा है कि उसको ब्रांच मानो, तो हम इसको ब्रांच मान रहे हैं क्या, 1-ethyl-benzene, अभी भी बेंजीन जीत गया। अब अगर कार्बन 3 हो जाते हैं, 13-14, अगर कार्बन 3 हो जाते हैं, जैसे बेंजीन के ऊपर आ गया CH2 CH2 CH3,
अभी भी बेंजीन जीत गया क्या? वन प्रोपाइल बेंजीन. लेकिन अगर ये जो काउंटिंग बढ़ती 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 तीन से ज्यादा चली गई, चार होगी, CH2, 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 CH3, अब अगर चार होगी तो अब आपका बेंजीन हार जाएगा. अब कौन जीत गया? ये काउंटिंग जीत गई. तीन तक तो झेल सकता है, तीन से ज्यादा नहीं. 1, 2, 3, 4. अब इसको क्या बनना पड़ेगा? 1 फिनाइल. दिस इज फिनाइल. क्या? ब्यूटेन. तो याद रखना इस चीज को, ठीक है ना. चाहे किसी बुक में कुछ लिखा हो, मैं आपको निचोड़ बता रहा हूँ 15 साल की मेहनत का, ठीक है ना. ये 12, 13, 14, 15, ये तरीका हमेशा फॉलो करो. एक कार्बन है, बेंजीन जीत गया. दो कार्बन है, बेंजीन जीत गया. तीन कार्बन है, तब भी बेंजीन जीत गया. कई बुक्स में इन तीन कार्बन के लिए लिखा होता है 1 फिनाइल प्रोपेन, और कई बुक्स में, मोस्ट ऑफ बुक्स में यही लिखा होता है जो मैंने आपके सामने लिखा है. इसलिए बुक्स की बिल्कुल मत सुनना यहाँ पे, जो मैं बोल रहा हूँ वो खेल खत्म है. 15 पे अब चार आगे तो फिर तो देखना ही नहीं कुछ, फिर तो बेंजीन हार गया, ठीक है ना. फिर तो 1 फिनाइल ब्यूटेन. और आगे चलते हैं इस स्टोरी से. नंबर 16 में है बेंजीन के ऊपर क्या? CH2, CH2Cl. अब सोचो, कई बच्चे तो कहेंगे सर यहाँ तो दो ही कार्बन है, दो कार्बन है तो उसका मतलब बेंजीन जीत गया. लेकिन उस दो कार्बन के पास, उसके पास देखो क्या है, Cl है. Cl जो ग्रुप होता है ना, फंक्शनल हैलोजन, वो इस C6H5 फिनाइल से बहुत स्ट्रॉन्गर होता है. Cl, आप वो जो कल सीरीज लिखवाई थी उसमें देखना कि ये दो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो है आपका हैलोजन और एक है आपका ये वाला फंक्शनल ग्रुप जिसे बोलते हैं C6H5 यानी फिनाइल. इनमें से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर है देखने की जरूरत ही क्या है. कल मैंने क्या बताया था, सबसे वीक कौन होता है? फिनाइल ही होता है, ठीक है ना. तो इस केस में आपको अगर इस चेन के पास, ये जो चेन ऊपर दिख रही है आपको, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगाया तो केस ऊपर की तरह चलेगा. लेकिन अगर लगा है तो इन दोनों में से कौन स्ट्रॉन्गर है सोचना ही नहीं, हैलोजन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है. अब आंसर क्या निकला देखो. 1 क्लोरो 2 फिनाइल, दो कार्बन है तो इथेन. 1 क्लोरो 2 फिनाइल इथेन. किसी के मन में कुछ दुविधा डाउट है, रेज योर हैंड. किसी के मन में भी कुछ ये रह गया, सर ये कहां से आ गया, ये ऐसे कैसे हो गया, रेज योर हैंड. मेरे पास सारी समस्याओं का समाधान है. हाँ, एक रेज हैंड हुआ है, खुश बताइए. यस, खुश बताइए. सर ये चार कार्बन में ऐसा क्यों लिया? चार कार्बन की चेन में आप ये मान के चलना कि अब यहाँ का जो मेजोरिटी लेवल जो है वो ज्यादा इस चेन की तरफ जाएगा और इस चेन की तरफ कम जाएगा, ठीक है ना. कहीं ना कहीं यहाँ मोलिकुलर मास को भी नहीं लगा सकते, एक तरह से वॉल्यूम या सरफेस एरिया को या फिर वैंडरवाल फोर्स को काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना. तो वैसे लॉजिक है, ऐसा कोई प्रॉपर रीजन नहीं है इसका कि इस वजह से ऐसा हुआ है. IUPAC की जो ट्रिक आप इस चैप्टर में सीख जाओगे, मैं बता दूं कितने IUPAC होने वाले हैं, 45 IUPAC होंगे. और उसके बाद जब तुम निकल के सामने आओगे ना, तो तुम्हारी काबिलियत वो नहीं रहेगी जो पहले थी. पूरी चैप्टर में, पूरी ऑर्गेनिक में जितने भी IUPAC है वो करने की काबिलियत आ जाएगी इन 45 के बाद. ये जो रूल्स ट्रिक्स हैं, ये इस चैप्टर की थोड़ी ना यार, ये इस चैप्टर की थोड़ी नहीं है, ये कोई हेलोजन की, ये सारी की सारी सोची समझी साजिश है. अच्छा, आप देखना एक बार तुम किस जाल में फंसोगे. बेंजीन के ऊपर अगर मान लो CH2Cl है, जल्दी से रेज योर हैंड, इसका IUPAC कॉमन नेम क्या है? रेज योर हैंड, इसका कॉमन नेम. विपिन बताइए. इसे बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड. वेरी गुड विपिन, आपने याद किया है इसको, बहुत अच्छी बात है. बेंजाइल क्लोराइड, अब देखना क्या कॉम्पिटिशन है. बेंजीन कह रहा है मेरी तरफ से काउंटिंग करो, और ये कार्बन कह रहा है मेरी तरफ से करो. तो ये कार्बन से पूछी तेरी तरफ से क्यों करें, तो कार्बन बोला कि मेरे पास है ना हैलोजन भी है,
पर हैलोजन बेंजीन यानी फिनाइल से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए कार्बन जीत जाता है यहाँ पे, और काउंटिंग इस कार्बन की तरफ से ही होती है, इस कार्बन की तरफ से ही। तो बड़ा अजीब लगेगा आपको ये देख के, और ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन एक और क्वेश्चन है। इसमें हम आंसर क्या देते हैं, वन क्लोरो वन फिनाइल क्या मिथेन, इसको बोलते हैं वन क्लोरो वन फिनाइल मिथेन। तो ये हो गया आपका, ये भी खत्म, वन क्लोरो वन फिनाइल मिथेन, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां से इस बात की बिल्कुल अच्छी तरह से पुष्टि हो जाती है, पुष्टि का मतलब कंफर्म हो जाता है कि इसका आंसर यही होगा। ये जो क्वेश्चन अब मैं बता रहा हूं ना, ये कई बार सीबीएसई में आ चुका है, नाम है इसका क्या, CH2CHO, इसके ऊपर, ठीक है ना। आने वाली कुछ क्लासेस में हम इसका भी कॉमन नेम याद करेंगे, हालांकि हमने अभी तक 40 कॉमन नेम याद कर लिए हैं, 39 है, आज मैं इसको 40 को कंफर्म कर देता हूं। ये है भाई वो 40 वाला जो कल की क्लास में रह गया था, कहां लिखूं मैं इसको, यहीं लिख देता हूं, ये है वो 40। बेंजीन के ऊपर CONH2, कईयों को तो याद भी होगा, कह रही है बड़ा पॉपुलर है, अमाइन में आएगा, अमाइन का तो ये लगा लो किंग, राजा ये। तो इसका नाम है क्या, बेंजामाइड, बेंजामाइड। और एक बच्चे ने करेक्शन करी थी, मैं उसको ही बता देता हूँ, बिल्कुल ठीक बताया था, यहाँ एस आएगा तब इसको बोलेंगे हम थायोफिल, इसको भी करेक्ट कर लेना, वहां पर क्या आया हुआ था, ओ आया हुआ था, थायोफिन एस वाले को बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये एस वाला जो है ये थायोफिन है, और बाकी तो मैं बाद में बताऊंगा, ये एस वाला जो है वो थायोफिन है, इसका याद रखना। हाँ ठीक है, ये थायोफिन है। यस विपिन बताइए, थायोफिन में डबल बॉन्ड नहीं आएगा? थायोफिन में डबल बॉन्ड नहीं आएगा भाई, थायोफिन में कहाँ, यहाँ पे इस पोजीशन पे। चलो ठीक है, अगर इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो अपना चेक कर लेना, लेकिन एक बात की पुष्टि है बिल्कुल कंफर्म, यहाँ ऐसे तो थायोफिन है, ठीक है ना। डबल बॉन्ड एक बार चेक कर लेना, आपकी पूरी 40 खत्म हो गई है। ये बेंजामाइड था, ये रह गया था, ये भी खत्म हो गया। अब वहीं आते हैं जहां पर हम थे। अब सोचने वाली बात यह है कि काउंटिंग कहाँ से होगी, क्या ये बेंजीन की तरफ से होगी या फिर ये ऊपर वाली जो चेन है इनकी तरफ से होगी। रेज योर हैंड, बेंजीन की तरफ से या चेन की तरफ से। यस भानु बताइए। सर चेन की तरफ से। चेन की तरफ से, क्योंकि अब तो यार सीएल तो छोड़ो, अब तो उसका भी बाप आ गया यहाँ पर, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड इज स्ट्रॉन्ग गैस, ठीक है ना, एल्डिहाइड तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो काउंटिंग यहीं से होगी, है ना। और अब इसका नाम जो हम लिखेंगे वो है आपका क्या, टू फिनाइल, दो कार्बन है तो इथेन, ये फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, तो इथेन वन अल, जिसे हम इथेनल भी बोल सकते हैं, तो टू फिनाइल इथेनल, ठीक है। नंबर 19 की तरफ चलते हैं, नंबर 19, तो इसको तो लिख देना भाई, ये भी सीबीएसई में 2-3 बार आ चुका है, ये एक ही, ठीक है। अब जो 19 से आगे थोड़ी बहुत जो हम करेंगे उसमें नाम दिया होगा और आपको कंपाउंड बनाना है, तो पहला नाम है थ्री क्लोरो थ्री मिथाइल पेंटेन। तो मैं कुछ ट्रिक बता देता हूं, आप हर बार ऐसे ही करना, ये नाम है स्ट्रक्चर बनाना है, पेंटेन, ये पीछे से बनाते हैं स्ट्रक्चर, पेंटेन है तो कुछ सोचो ही मत, पांच कार्बन लिख दो, लिख दिया, थ्री पे क्लोरो लगा दो, थ्री पे क्लोरो, थ्री पे मिथाइल लगा दो, थ्री पे मिथाइल, जो बच गया वहां हाइड्रोजन लगाते रहो, CH3 CH2 CH2 CH3, बन गया कंपाउंड, ठीक है। इसी तरीके से ट्राई करते हैं नंबर 20 को, तो 20 है आपका, ये नंबर 20 है, और ये है आपका क्या, वन क्लोरो फोर इथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो मैंने क्या कहा, पीछे से स्टार्ट करो, साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, ये होता है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। वन क्लोरो लगा दो, वन पे क्लोरो, फोर इथाइल, 1 2 3 4 4 इथाइल यानी C2H5, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया,
ठीक है, इस तरीके से कर दो। नंबर 21 जो है ये आपको घर से करना है होमवर्क, क्या है 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटूइन होमवर्क है। 22 ये भी होमवर्क है, क्या है 1 ब्रोमो अच्छा सेकेंडरी ब्यूटाइल, यहाँ पर मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा सेकेंडरी ब्यूटाइल 2-methyl बेंजीन, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ना कुछ डिस्कशन करना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये सेकेंडरी प्राइमरी टर्सरी क्या होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं तीनों को बता देता हूँ ताकि अगली क्लास में सेकेंडरी प्राइमरी टर्सरी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी ना हो। ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। देखो सारा खेल है फंक्शनल ग्रुप का। अगर मान लो आपकी कार्बन की चेन में, इस तरीके से कार्बन की चेन में फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप की जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन एक कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा हो गया आपका 1 degree यानी प्राइमरी। बड़ा सिंपल है पहचानना फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ। अच्छा अगर फंक्शनल ग्रुप 2 carbon से जुड़ा हुआ है जैसे CH3CH, यहाँ CH3 और यहाँ आ गया आपका CL, तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन 2 carbon से जुड़ा हुआ है, दिस इज योर 2 degree यानी सेकेंडरी, ठीक है। अच्छा और यही चीज अगर ऐसी हो जाए कि फंक्शनल ग्रुप जैसे CH3 CH3 तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन 3 carbon से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका 3 degree यानी टर्शियरी हो जाता है, ठीक है। बस यहां तक याद कर लो, तुम्हारे 12th क्लास में इतना ही है, ज्यादा कुछ है ही नहीं। अब ये देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 1 bromo सेकेंडरी ब्यूटाइल, अच्छा 2-methyl बेंजीन, बेंजीन का तो पता लगी क्या, ये आपका यहाँ पर ये बेंजीन है, ठीक है। अच्छा 1 pe bromo है, लगा दो ब्रोमो। सेकेंडरी ब्यूटाइल कहाँ पे है, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल 4 pe, तो यहाँ 4 लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ, यहाँ 4 मिसिंग रह गया, 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है ये मिसिंग था। अच्छा 2-methyl है तो भाई 2 pe methyl बना दो, ये 2 pe methyl हो गया 1,2-CH3, ये तो हो गया सिंपल था। अच्छा 4 pe सेकेंडरी ब्यूटाइल कैसे बनाओगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल कैसे बनाओगे, तो देखो जरा ध्यान से, सेकेंडरी ब्यूटाइल फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं ना, अगर यहाँ सेकेंडरी ब्यूटाइल बनाना है, अगर आपने ये बना दिया तो इस बेंजीन रिंग को फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करेंगे और ये कार्बन आपका जो दिख रहा है आपको, ये कार्बन जो है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक से, तो ये तो प्राइमरी ब्यूटाइल हो गया। इसी कार्बन को आपको 2 carbon से जोड़ना है, यानी ये आपका नहीं आएगा यहाँ पे, आपका क्या आ जाएगा, आपका एक आ गया यहाँ सी। अब जो आपके सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका क्या माना जाएगा, पूरा का पूरा सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्योंकि ये बेंजीन से जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 2 carbon से जुड़ा है, दिस इज योर सेकेंडरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल का मतलब 4 carbon। चलो सपोज करो ये बोल देता टर्सरी ब्यूटाइल, तब क्या करते हैं भाई, टर्सरी ब्यूटाइल में क्या करते, अब की बार हम यहां से इसको ये हटाओ, ठीक है, और यहां से यहां पे लगा दो आप सी। अब ये कार्बन 3 carbon से जुड़ा हुआ है, देन इट इज कॉल्ड टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है। ऐसे पता लगाते हैं बेंजीन से जब ये किसी के साथ लिंक होता है, तो थोड़ी प्रैक्टिस और परफेक्ट हो जाओगे। आज के दिन में अगर कुछ नहीं सीखा ना तो ये सीख के चले जाओ कि 2 reaction ऐसी हैं जो बहुत खास हैं, होमवर्क हटा दो इस पे मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। 4 pe सेकेंडरी ब्यूटाइल, अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट में अभी तक पहले क्वेश्चन पे लिखा है मैंने ये, और कुछ सोच के लिखा होगा, तुम्हारे पहले यूटी में ही आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन, तो ये आपका आंसर हो गया पूरा प्रॉपर। हाइड्रोजन आप लगा सकते हो CH3 CH CH2 और CH3, इस तरीके से दिस इज योर आंसर फॉर सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। और आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन है 23। तो 23 क्या है ये देखते हैं,
नंबर 23। अब की बार दिया है इसने फोर टर्ट, टर्ट का मतलब टर्सरी ब्यूटाइल, आ गया ना वही टर्सरी ब्यूटाइल फिर से आ गया, थ्री आयोडो हैप्टेन, थ्री आयोडो हैप्टेन, ये इंपोर्टेंट ही इतने हैं कि मैं करवा ही रहा हूं उनको। हैप्टेन का मतलब है सात, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, फोर पे टर्सरी ब्यूटाइल, वन टू थ्री फोर, फोर पे टर्सरी ब्यूटाइल, पता है आपको कैसे, वन टू थ्री फोर बन गया टर्सरी ब्यूटाइल, थ्री आयोडो, वन टू थ्री ये आ गया आपका थ्री आयोडो, और हैप्टेन एज इट इज ये हैप्टेन है। हाइड्रोजन आराम से बैठ के लगा लियो, कोई भी टीवी प्रोग्राम देखते देखते भी लगा लियो तब भी लग जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी। तो 23 हो गया, और अब इसके बाद आता है हमारा कौन सा 24, क्या है 24, सी एच थ्री, इस तरीके से सी एच, फिर से सी एच थ्री, यहाँ पर है आपका सी एच और ये है आपका सी एच थ्री और ये है आपका सी एल, रेज योर हैंड, इसका ना आई पैक बनाने के बाद दिमाग में फिर रेज योर हैंड करना, ठीक है। ओके, लॉन्ग चेन वगैरह सारे के सारे डिजाइन हो गए होंगे। यस भानु, करो ट्राई इसको, क्या आंसर आया आपका? सर, वन क्लोरो वन टू डाइमिथाइल प्रोपेन। नहीं भाई, वन क्लोरो का तो मतलब भी नहीं होता, और कौन है जो हैंडेज कर रहा है यहाँ पे, विपिन बताइए। टू क्लोरो थ्री मिथाइल ब्यूटेन, ये करेक्ट है, वेरी गुड। देखो लॉन्ग चेन अगर आप इसकी सर्च करना चाह रहे हो तो ये लॉन्ग चेन आपकी ये मानी जाएगी, ये लॉन्ग चेन है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की। अब इसमें लॉन्ग चेन में ये होने के बाद आपको करना क्या है, करना ये है कि आप ये देखो कि कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करें। देखो लेफ्ट से करोगे तो वन टू, वन टू थ्री पे आ रहा है हैलोजन, यहाँ से करोगे तो वन टू, टू पे आ रहा है हैलोजन, थ्री फोर, तो ये तो करेक्ट है। सो योर आंसर इज टू क्लोरो थ्री मिथाइल, चार कार्बन है तो ब्यूटेन, ये आंसर आ जाएगा आपका। अच्छा, ये जो कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है 25, ये बड़ा कमाल का है, इसे ओपन करना पड़ेगा आपको। देखो यहाँ पर है सी एच थ्री, ये है आपका सी एच टू, ब्रैकेट में जो सी एच थ्री दे रखा है वो किसी के अराउंड ओपन होता है सी एच थ्री, फिर से सी एच है, और यहाँ जो है ये सी टू एच फाइव यहाँ ओपन होगा, और ये है आपका सी एच, ठीक है। याद रखो एक बात, हमेशा याद रखो, ब्रैकेट के अंदर अगर क्या है सी एच थ्री है, ब्रैकेट के अंदर दो ही चीज हो सकती है, एक कार्बन की सी एच थ्री हो सकता है या सी एच टू भी हो सकता है। सी एच टू है तो क्या होगा, सी एच थ्री है तो क्या होगा, दोनों में डिस्टिंग्विश करके मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना अभी। ओके, देखो एक तो ये हो सकता है कि इसमें इस तरीके से सी एच थ्री सी एच टू का ट्वाइस या थ्राइस भी हो सकता है, ठीक है ना, सी एच थ्री है तो क्या करोगे इसको, ये ब्रैकेट में अगर मान लो सी एच टू है तो ये चेन में ओपन होता है ऐसे, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री ऐसे, ठीक है ना, इस तरीके से ओपन हो गया। लेकिन अगर ब्रैकेट के अंदर सी एच थ्री है तो वो कैसे ओपन होगा, जैसे देखो सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री का ट्वाइस, ठीक है ना, सी एच थ्री का ट्वाइस, और फिर यहाँ सी एच थ्री है, एक ही कार्बन आएगा यहाँ पे। अब क्या करना है, देखो सी एच थ्री आ गया ना ब्रैकेट में, यहाँ सी एच टू था ब्रैकेट में, तो करना क्या है, अब ये किसी के अराउंड ओपन होते हैं आमतौर पर लेफ्ट वाले के, ये लेफ्ट है, इसके अराउंड यहाँ आ गया सी एच थ्री, एक नीचे आ गया सी एच थ्री, और ये ऐसा कैसा सी एच थ्री, ये कार्बन चार बॉन्डेड से बॉन्डेड हो गया। तो ये रिप्रेजेंटेशन है आपका इस लेफ्ट का सी एच थ्री और ये ब्रैकेट में सी एच टू का। अब आप कभी भी ऐसा आएगा तो दो मिनट में पकड़ लोगे इसको, क्या होने वाला है, देखो सी एच थ्री आएगा तो किसी के अराउंड ओपन होना ये हो गया,
अब लॉन्ग चेन इसमें कितने कार्बन की है, रेज योर हैंड। लॉन्ग चेन कितने कार्बन की है, आयुष बताइए। भानु बताइए। सर सिक्स, सिक्स कार्बन की लॉन्ग चेन है। दिखने में तो पांच कार्बन की दिखाई देगी आपको, लेकिन ये छह कार्बन की है। कैसे हो सकती है छह कार्बन की? क्या आपने इस वाले C2H5 को खोला, ओपन किया? जैसे आप इसको ओपन करते हो, जैसे ये कैसे ओपन होगा, CH2 CH3, देन यू विल रियलाइज कि ये आपकी छह कार्बन की लॉन्ग चेन है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6, काउंटिंग कहां से होगी, लेफ्ट से 1 2 3 4, नहीं राइट से 1 2 3, यस, क्योंकि हैलोजन क्लोज है, 4 5 6। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहां से, ये आ गया आपका 3 क्लोरो 4 मिथाइल 6 का मतलब हेक्सेन। तो ये हो गया आपका 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन, इस तरीके से आंसर आएंगे, ठीक है। और अगर हम आगे चलें इस कहानी में, तो अब हमारे पास कुछ ये भी पॉइंट है, 25 था ये, ये है आपका 25, ये है आपका 26, और 26 क्या है, बेंजीन के ऊपर यहाँ है आपका Cl और यहाँ है आपका CH3। स्ट्रॉन्ग कौन सा है, ये स्ट्रॉन्ग है Cl, हैलोजन। तो आंसर क्या आ गया, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। अच्छा और देखो 27, अगर बेंजीन के ऊपर है, एक मिनट, ये भी हो गया था, बेंजीन के ऊपर है Cl और यहां है आपका क्या, इस पोजीशन पे मैं बता देता हूं, यहां पर आपका Br है। या और अच्छी तरीके से अगर मैं इसको कंप्लीटली बताऊं तो मेरे को जगह की जरूरत होगी, तो मैं इसे रब कर देता हूं, मुझे जगह चाहिए इसमें थोड़ी सी। ओके देखो थोड़ा सा अब करते हैं डिटेल। हाँ 27 है आज का टारगेट है 30 का, 30 के बाद कल तो खत्म हो गए और आगे चलेंगे हम। क्वेश्चन में ये दे रखा है इन्होंने, ये बेंजीन है, ठीक है, यहाँ Cl है, ऊपर है CH2 CH CH3 और ये भी CH3 है, ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। आप सोचोगे कि हम इसको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बोल दे, यार ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, हाउ कैन यू से दैट प्राइमरी ब्यूटाइल। यार प्राइमरी ब्यूटाइल ये कैसे बोल सकते हो, प्राइमरी ब्यूटाइल तो ये भी तो हो सकता था ना, CH2 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 CH3, तो नहीं बोल सकते हम इसको प्राइमरी ब्यूटाइल। हालांकि जो ये बेंजीन है, इससे ये कार्बन जो जुड़ा हुआ है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको प्राइमरी ब्यूटाइल बोल सकते हैं, लेकिन ब्रांच भी है इसमें, इसलिए दिक्कत आएगी। तो हम इसको प्राइमरी ब्यूटाइल ना बोल के क्या बोलेंगे, देखो ये एक कॉम्प्लेक्स की तरह रीड होता है, जिन्होंने कॉम्प्लेक्स रीडिंग भी कर रखी है 11th क्लास में, उनके लिए तो रिपीट हो रहा है बस, और कुछ है ही नहीं। अभी भी अगर मैं देखूं तो पलड़ा किसका भारी है, हैलोजन का, तो काउंटिंग 1 2 3 4। अब 4 पे हो क्या रहा है, 4 पे एक और काउंटिंग स्टार्ट होती है, ये देखो ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, जहां से जुड़ा होता है वहीं से काउंटिंग होती है 1 2 3। तो आंसर क्या आएगा, देखो 1 क्लोरो 1 क्लोरो, ये 1 का क्लोरो, अच्छा 4 पे कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स जब भी आता है तो ब्रैकेट लगाते हैं, कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या रीड करेंगे, 2 पे क्या है, 2 मिथाइल और 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, ठीक है ना, 2 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन, ये पूरा ऐसा कैसा बेंजीन। अगर ये भी आपके दिमाग में आ गया, वाह, कॉम्प्लेक्स भी समझ गए आज की क्लास में, नहीं आया एक और ट्राई करते हैं, ये देखो इसी से मिलता जुलता 28 क्या है, 28 चेक करते हैं, इस 28 के अंदर बेंजीन, ब्रोमीन CH3
और यहाँ पर वही जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, स्ट्रॉन्ग 1, 2, 3, 4, नो डाउट, सही है। इसको थोड़ा और ओपन कर देता हूँ, CH3, CH, CH2, CH3, ठीक है। अब कुछ बच्चे जिनको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर है यार, तो वो उनके हाथ में पता है क्या हथियार है, वो दो चीजों को लगाएंगे यहाँ पे, उनके पास दो ऑप्शन है। तुम में से कई ऐसे बैठे होंगे जिनके पास एक ही ऑप्शन है, और कई तो ऐसे भी बैठे होंगे जिनके पास एक भी ऑप्शन नहीं है, उन्हें पता ही नहीं इसका करें तो करें क्या। तो भाई मैं उनको स्पेशल बोलना चाहूंगा, थोड़ी प्रैक्टिस करो, ये मैं शो करके दिखाओ कि मेरे पास दिमाग कम है, इसके पास दिमाग ज्यादा है, आप में दम था इसीलिए आपने 11th में साइंस ली और 11th को क्रॉस करके 12th में भी आ गए। ये आपके खुद के गट्स थे जो जो यहाँ 12th में आए हैं, ठीक है ना। तुम्हारे माँ बाप ने पैसे नहीं दिए स्कूल में किस बच्चे को साइंस दे दो, इस बेचारे के 10th में 60% मार्क्स आए हैं, इसको साइंस दे दो, पैसे नहीं भरे तुम्हारे माँ बाप ने, तुम्हारे दम पे हुआ है जो कुछ हुआ है। तो सब सीख सकते हैं, किसी के पास दो ऑप्शन भी है, वो कैसे ऑप्शन है बताता हूँ। एक तो ये तरीका है, एक तरीका तो हो गया भाई आपका ये क्या, 1-bromo, ठीक है, 2-methyl, और ये 4 पे क्या लिख सकते हैं, वो 4-secondary-butyl, इस तरीके से सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है ना। जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी आया था एक सेकेंडरी ब्यूटाइल का ऑप्शन, हालांकि सेकेंडरी ब्यूटाइल को ब्रैक में लिख दो, नहीं लिख दो नंबर नहीं कटेंगे। हाँ, इतनी छोटी सी रिकमेंडेशन दूंगा मैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल में सेकेंडरी इग्नोर किया जाता है, तो ब्यूटाइल को पहले लिखो, क्योंकि अल्फाबेटिकली ब्यू डी पहले आता है, ठीक है। तो एक बार फिर लिख देता हूँ, 1-bromo-4-secondary-butyl, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, 2-methyl, और उसके बाद इस पूरे को क्या लिख सकते हो, बैंड जी, ठीक है। एक तो ये तरीका है, पूरे नंबर मिलेंगे, आधा भी नहीं कटेगा। अच्छा, एक और सोफिस्टिकेटेड तरीका है वहां पर, अगर आप इसमें भी आंसर देते हो तब भी आपका एक भी नंबर नहीं काट सकते हो, क्या, 1-bromo, ठीक है, 4 पे क्या है, इसको फिर से क्या मान लो, कॉम्प्लेक्स मान लो, ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्स मान लो, जहां से भी ये जुड़ा हुआ है फिर से आई इफेक्ट नेमिंग काउंटिंग स्टार्ट होगी, 1, 2, 3, तो 4 पे क्या लिख सकते हो, इसको 1-methyl, 3 carbon है तो प्रोपाइल, ठीक है, 2 पे मिथाइल, ये 2 पे इस तरीके से मिथाइल, और बेंजीन इस तरीके से, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये भी काउंटिंग कर सकते हो, ये भी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा, ये भी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा, दो दो ऑप्शन है, कई के पास सिर्फ एक ही होता है, कई के पास वो भी नहीं है। तो थोड़ी मेहनत करो, रिसर्च करो, सब मिलेगा, ठीक है। एक ये होने के बाद स्पेशली मैं, कितने हो गए हमारे, 28 होगी, 29 और 30 होमवर्क दे रहा हूँ, ये घर से करना है आपको। 29 क्या है, ये है आपका 2-chloro-3-methyl-pentane स्ट्रक्चर बनाना है होमवर्क। एक लास्ट होमवर्क है 30 क्या, 1-chloro-4-ethyl-hexane, एक ये भी है, ठीक है ना। तो ये दोनों घर से करना होमवर्क है, और कल की क्लास में IUPAC खत्म करके हम थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलाएंगे, 45 के करीब IUPAC है। सर्च मार दो NCERT को, अगर आप NCERT के बाहर भी सर्च मारना चाह रहे हो तो लास्ट ईयर के पेपर, या ऑल इंडिया के हो या CBSE के हो, सारे सर्च मार दो इस चैप्टर से रिलेटेड,